हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं यश एन बिस्वा टारगेट विद आलोक के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज ग्रामर के बिल्कुल बेस से जो है शुरुआत किया जाए, तो किसी भी लैंग्वेज की जो यूनिट होती है वो लेटर होती है। और लेटर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट ऑफ और लैंग्वेज, यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज जो किसी भी भाषा की इकाई हो वही लेटर है। जैसे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ए, हिंदी की बात करें तो क, या फिर अगर उर्दू की बात करें तो अलिफ बे। ये किसी भी भाषा की जो बेसिक इकाई होती है, मूल इकाई होती है, उसी को जो है हम लेटर के नाम से जानते हैं। खैर, अगर हम लेटर से थोड़ा सा आगे की यात्रा करें तो लेटर से हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है वर्ड। वर्ड क्या होता है कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स Which gives a definite sense अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित भाव निकलता हो। लेटर को हिंदी में कहा जाता है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है कि जिसका कभी क्षरण ना हो, which never perishes, जिसका कभी विनाश ना हो, उसी को हम अक्षर कहते हैं। और भारतीय व्याकरणियों ने, भारतीय व्याकरण शास्त्रियों ने अक्षर का चुनाव बड़ा सोच समझ करके किया। और कारण इसके पीछे कि हम जो कुछ भी बोलते हैं वो एक साउंड है, ध्वनि है। और आपको ये भी पता है कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन बी पेरिश्ड। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, चाहे हम कब कहें इंग्लिश में, चाहे ए कहें, बी कहें, या किसी भी भाषा में कोई भी हम लेटर का अगर उच्चारण करें, आवाज दें, तो एक ऊर्जा हो जाती है। ऊर्जा कभी पैदा नहीं की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, लेकिन विश्व में कोई भी, ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा नष्ट नहीं की जा सकती है। इसीलिए काफी विचार करने के बाद भारतीय व्याकरण शास्त्रियों ने लेटर को हिंदी में क्या कहा? अक्षर। और ये अक्षर का जो कंसेप्ट है वह केवल और केवल संस्कृत और हिंदी भाषा में है, क्योंकि हिंदी इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत। तो अक्षर का कंसेप्ट जो है वो अन्य किसी भाषा में नहीं है। अंग्रेजी में इसको लेटर कहते हैं, उर्दू में इसको हरूफ कहते हैं, अरबी में भी हरूफ कहते हैं। खैर, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज वो जो है लेटर है। लेटर से के संयोजन से, कम्बिनेशन से वर्ड बनता है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ डेफिनेट सेंस, अक्षरों का समूह जिसका एक निश्चित भाव निकलता हो। जैसे अगर हमने अक्षर की बात कही तो अक्षर से हमको एक सेंस निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है, दिमाग में एक तस्वीर सी, एक खाका सा बन रहा है। लेकिन अगर हम इसी को रक्ष अ कह दें तो ये जो है कोई वर्ड नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट इम्पार्ट एनी डेफिनेट सेंस। देयरफॉर वी कैन नॉट टर्म इट एज ए वर्ड। लेकिन अक्षर इसका एक निश्चित सेंस है, इसलिए हम इसको शब्द कह सकते हैं, वर्ड कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो एक निश्चित अर्थ देता हो उसको हम वर्ड कहेंगे। मैंने कहा कि आज थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की जो है हम लोग चर्चा करेंगे, बाकी विस्तार से बाद में। तो ये हम लोग अब वर्ड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको मिल जाता है
वर्ड्स के थोड़ा सा ये चर्चा कर लेना है कि वर्ड्स जो है कितने तरह के होते हैं। वर्ड्स कैन बी क्लासिफाइड, वर्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 पार्ट्स, और इसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। किसी भी शब्द को हम उसके 8 कैटेगरी करते हैं। शब्द के भेद जिसको आप लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो कोई शब्द जो है वह नाउन का काम करता है, कोई जो है प्रोनाउन, कोई वर्ब, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कोई प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो शब्दों की प्रकृति के अनुसार शब्दों को क्लासिफाई किया गया। नाउन, नाउन के बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो डियर, नाउन जो है वह लैटिन वर्ड है नोमेन, नोमेन ये लैटिन वर्ड है, और इसी को ग्रीक में कहते हैं नोमेनस, नोमेनस, नोमेनस और नोमेन, नोमेन लैटिन है, नोमेनस जो है ग्रीक है, और इन दोनों का मतलब होता है टू नेम, टू नेम, नाम देना। मतलब कि इस दुनिया में, ब्रह्मांड में एनी ऑब्जेक्ट, वेदर बी इट माइक्रो और मैक्रो, लिविंग और नॉन लिविंग, और एनी ऑब्जेक्ट, एनी सिचुएशन, एनी स्टेट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम कोई स्थिति अवस्था जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, और इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, छोटे हो या बड़े हो, अगर उनका नाम दिया गया है तो वो लैटिन में नोमेन है, ग्रीक में वही जो है नोमिनस है, और इंग्लिश में उसी को नाउन कहते हैं, इट मींस। तो ये बात क्लियर हो गई कि नोमिनस या नोमेन क्या है। टू नेम, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम कोई नाम देते हैं तो वही क्या बनता है, नाउन, और इसी को सरल भाषा में आप लोग कहते हो नेमिंग वर्ड्स। लेकिन ग्रामेटिकली नेमिंग वर्ड्स गलत है डियर। अभी मैंने बताया कि जो नाउन है वो नोमेन है लैटिन में, और ग्रीक में वही जो है नोमिनस है, और इन दोनों का मतलब होता है टू नेम, नाम देना। नाम देना किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या स्थिति को अगर कोई नाम दे दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, नाउन। मैंने कहा कि भाई बहुत छोटे शब्दों की जो है उसके कंसेप्ट की चर्चा होगी। दूसरा है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन को जनरली आप अगर बुकिश डेफिनेशन की बात करें, और द डेफिनेशन दैट यू हैव लर्न्ड सिंस योर चाइल्डहुड, और आप ये कहते हो कि द वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, नीड नॉट टू से दैट मच लेंथी डेफिनेशन, इतनी बड़ी डेफिनेशन कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो प्रोनाउन का मतलब होता है, प्रो का कहते हैं फार को, प्रो मींस फार, और अगर कोई जो है प्रोनाउन कहे तो सीधे आप कह दीजिए कि आप फार नाउन, नाउन के लिए। अगर हम एग्जांपल से इसको प्रूव करें, सेंटेंस ये ले लिया जाए कि कमल इज टीजीटी एस्पिरेंट, कमल टीजीटी का विद्यार्थी है, टीजीटी देना चाहता है, ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट, कि वह परिश्रमी भी है, डिलीजेंट कहते हैं मेहनती को, तो ही क्या है कमल। ये बात क्लियर है कि कमल नाउन है, नाउन के लिए हमने ही का प्रयोग किया, यानी कि फार नाउन। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर है, प्रोनाउन इटसेल्फ इज फार नाउन, क्योंकि प्रो का मतलब होता है फार, तो प्रोनाउन की लिटरल मीनिंग क्या हो गई, फार नाउन, जो नाउन के लिए आए, और उसी को क्या कहा जाता है कि द वर्ड विच इज यूज्ड और विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज प्रोनाउन। थोड़ा आगे चलते हैं डियर, ये अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो है आपका एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को लोग विशेषण कहते हैं हिंदी में, या इसी को और भी अगर इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है तो द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन। लेकिन अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। ये ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव भी जो है दो लैटिन शब्द हैं, वो एड जो है वो एडिटम है, क्या एडिटम, और एडिटम मींस होता है टू एड, जोड़ना, और जेक्टिव जो है वो जेक्टिवस है, जेक्टिवस, जेक्टिवस मींस टू नेम, जेक्टिवस मींस टू नेम, और टू नेम क्या है, नाउन है। मतलब ये हुआ कि अगर एडजेक्टिव कोई पूछे तो ये कहा जा सकता है कि एडिटम टू जेक्टिवस, यानी कि व्हाट एवर इज एडेड टू नाउन, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट एवर इज एडेड, व्हाट एवर इज एडेड टू नाउन, नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही एडजेक्टिव बन जाएगा। फिर से सुन लें कि एडजेक्टिव इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एड दैट इज एडिटम एंड एडजेक्टिव दैट इज जेक्टिवस, जेक्टिवस मीन्स टू नेम, और एडिटम मीन्स टू एड यानी कि जोड़ना, किसमें जोड़ना, टू नेम यानी नाउन में। तो नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या बन जाएगा, आपका एडजेक्टिव बन जाएगा। तो क्लियर और कंपैक्ट डेफिनेशन होती है कि व्हाट एवर इज एडेड टू नाउन, नाउन में जो भी शब्द जुड़ा नहीं कि एडजेक्टिव बना। कैसे, थोड़ा सा इसको देखा जाए, अगर डियर हम मैन कहें तो मैन क्या है, नाउन है, इसमें अगर हमने गुड ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव है, एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगर हम रूपीज की बात करें, रूपीज नाउन है, इसमें आपने 100 ऐड कर दिया तो एडजेक्टिव हो गया। सिंस 100 डिनोट्स नंबर, जो कि 100 क्या, संख्या को शो करता है, इसलिए 100 क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। और अगर वाटर की बात की जाए, वाटर में आपने जो है ऐड किया लिटिल, लिटिल, तो ये लिटिल जो है क्वांटिटी शो कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो दिस मच इज क्लियर कि एडजेक्टिव क्या है, कि नाउन में जो भी शब्द जुड़ेगा वही क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा बाद में होगी कि डिटेल में क्या है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सब चीजों की जो है विस्तार से बाद में चर्चा होगी। आज की क्लास केवल इतनी है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इंग्लिश ग्रामर के, आज उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। फिर अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब को आमतौर पर लोग क्रिया कहते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि वर्ब का मतलब क्रिया केवल और केवल एक केयर टेकर, केयर टेकिंग मीनिंग है, केवल काम चलाऊ है। अगर हम वर्ब की बात करें, द वर्ब इटसेल्फ इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम। लैटिन शब्द क्या है, वर्बम, और वर्बम का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सबसे महत्वपूर्ण शब्द। और यह भी ध्यान रखिएगा कि दुनिया की कोई भी भाषा ले लें, उसमें वर्ब जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज इट इज अटरली इम्पॉसिबल टू फ्रेम इवन ए सिंगल सेंटेंस इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड विदाउट वर्ब। दुनिया के किसी भी भाषा का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता है, इसीलिए लैटिन ग्रामेरियन ने इसको कहा वर्बम। इंग्लिश में वर्ब है और वर्बम का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द, कोई भी शब्द बिना वर्ब के बन ही नहीं सकता है। हिंदी में इसको क्रिया तो कहते हैं,
क्रिया इसलिए कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द एक्शन इन दिस यूनिवर्स इज एक्शन ओरिएंटेड. मोस्ट ऑफ थिंग्स, दुनिया की ज्यादातर चीजें जो है वो एक्शन ओरिएंटेड हैं, इसीलिए इसको जो है क्रिया का कहा जाता है कि ज्यादातर चीजें इस दुनिया में क्रियागत हैं, इसीलिए इसको क्रिया तो कहा जाता है. लेकिन सही अर्थों में क्रिया शब्द नहीं है, वो वर्ब जो है वो वर्बम है, और वर्बम मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. खैर वर्ब के फ्लो चार्ट की बाद में जो है स्टैटिक वर्ब कौन से, ऑक्सिलरीज कौन से हैं, मेन वर्ब डिटेल में इसका एक फ्लो चार्ट से हम लोग समझेंगे, क्योंकि आज की क्लास केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक्स हैं आज उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी. वर्ब से आगे हम लोग चलते हैं डियर, तो एडवर्ब. एडवर्ब, एडवर्ब को खुद आप डिफाइन कर लें तो एडवर्ब भी वो दो लैटिन वर्ड हैं, एडिटम टू वर्बम. एडिटम टू वर्बम, वर्ब का मतलब क्या है, वर्बम है, और एड आपने अभी देखा क्या है एडजेक्टिव में, एड एडिटम है, यानी वर्ब में जो कुछ भी एड होगा वही क्या होगा, एडवर्ब होगा. लेकिन थोड़ा सा यहां पर एक कॉशस जोन है कि एडवर्ब एक मॉडिफायर है डियर, एडवर्ब मॉडिफाई करता है और जो एडजेक्टिव है वो क्वालिफायर है, इसका हमेशा ध्यान रखिए. एडजेक्टिव ये क्वालिफायर है, ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब जो है यह वर्ब एडजेक्टिव और अंदर एडवर्ब में मॉडिफिकेशन का काम करता है. थोड़ा सा इसके बारे में हल्की सी एक जानकारी कर लिया जाए कैसे ये मॉडिफायर है. मॉडिफायर इसलिए कि एडवर्ब तीन चीजों को जो है मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को. एडवर्ब मॉडिफायर है, किसको किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को. और थोड़ा सा इसके बारे में जो है हम चर्चा करें, अगर हम ये सेंटेंस लिया जाए कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, थोड़ा सा विचार करने वाली बात यह है कि रन जो है ये आपका वर्ब है, ही रन्स वह दौड़ता है, बट हाउ डज ही रन, कैसे दौड़ता है, तो जवाब में मिला आपका फास्ट, यानी वह दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये फास्ट किसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को. हम ये कह सकते हैं वर्ब की विशेषता नहीं बल्कि वर्ब रन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए फास्ट क्या हो गया आपका, एडवर्ब. तो ये शर्त पूरी हो गई कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, वर्ब को. अब थोड़ा सा ये देखा जाए कि एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है. सेंटेंस अगर हम ले कि ही इज गुड, वो अच्छा है, ये तो बड़ी आसान सी बात है कि गुड क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन ही को. इसमें एक शब्द अगर हम और जोड़ दें कि ही इज वेरी गुड, हाउ गुड इज ही, कितना अच्छा है वो, तो आपका जवाब मिला क्या, वेरी, वह अच्छा है, बहुत अच्छा है. यानी एडजेक्टिव में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है, तो वेरी इसमें क्या हो गया, वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, गुड, जो कि एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव में जो भी मॉडिफिकेशन का काम करेगा वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा. मैं समझता हूं ये भी बात क्लियर हो गई. पहले सेंटेंस में एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब रन को. दूसरे सेंटेंस में वेरी किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव गुड को. अब जरा तीसरा देखा जाए कि एडवर्ब को किस तरह से मॉडिफाई करती है. तो हम पहला सेंटेंस लेते हैं कि ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है. हाउ डज ही रन, तो पता ये चला कि फास्ट जिसमें वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट, तो हो गया क्या, फास्ट एडवर्ब हो गया. ही रन्स वेरी फास्ट, इस सेंटेंस में देखा जाए तो वेरी जो कि एडवर्ब है, हमने दूसरे सेंटेंस से इसको देखा था कि ही इज वेरी गुड, तो वेरी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के कारण वेरी क्या हो गया,
एडवर्ब। तीसरे सेंटेंस में ही रन्स वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो फास्ट एडवर्ब है और वेरी ये भी क्या है, एडवर्ब है। तो ये भी बात क्लियर हो गई कि एडवर्ब न केवल वर्ब एडजेक्टिव बल्कि एक दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। ये ध्यान में रखिएगा कि एडवर्ब हमेशा मॉडिफायर होता है, वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडजेक्टिव को या फिर किसी अन्य एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो एक स्थिति और भी होती है कि समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज होल सेंटेंस, और ये भी ध्यान रखिएगा एडवर्ब चैप्टर जब उठाएंगे तो डिटेल में सारी चीजों की चर्चा हो जाएगी। एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब बट समटाइम्स इट आल्सो मॉडिफाइज होल सेंटेंस, एंड व्हेन इट मॉडिफाइज होल सेंटेंस इट ऑलवेज कम्स इन द फ्रंट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पहले आएगा। इसकी डिटेल में चर्चा बाद में होगी। अब डियर थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि आपका प्रीपोजिशन क्या है। अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो प्री मीन्स होता है बिफोर, और पोजिशन का मतलब पोजिशन स्थिति, मतलब कि एक नाउन दूसरे नाउन से किस पोजिशन में आती है और उस पोजिशन को शो करने वाला शब्द क्या होगा, वो प्रीपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें कहें कि पेन इज इन माय हैंड, हमें कहें पेन इज इन माय, पेन इज इन माय हैंड, दूसरा बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, रूफ इज एवब आवर हेड, एवब आवर हेड, छत सर के ऊपर है। अब थोड़ा सा ये देखना है कि पेन क्या है, नाउन है, और हैंड क्या है, नाउन है। पेन इज इन माय हैंड, पेन की पोजीशन और हाथ की पोजीशन को दिखाने वाला शब्द कौन सा है, इन, राइट। पेन इज इन माय हैंड, पेन मेरे हाथ में है, तो पेन भी है नाउन और हैंड भी है नाउन। इन दोनों के बीच की पोजीशन को डिटरमिन करने वाला जो शब्द है वो इन, इसीलिए ये प्रीपोजिशन हो गया। बुक इज ऑन द टेबल, बुक भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, और इन दोनों के बीच की पोजीशन को डिटरमिन करने वाला शब्द कौन सा मिला, ऑन, तो ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। रूफ, तीसरा सेंटेंस अगर हम लें कि रूफ इज अबव आवर हेड, कि छत हमारे सर के ऊपर है, तो हेड भी क्या है, नाउन, और रूफ भी नाउन। इन दोनों के बीच की पोजीशन शो करने वाला शब्द क्या है, एवब। तो दिस मच इज क्लियर, द प्रीपोजिशन इज वर्ड विच शोज इन व्हाट पोजीशन अ नाउन कम्स टू अनदर नाउन, और ए नाउन इज रिलेटेड टू अनदर वर्ड्स और अनदर फ्रेज, अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इसीलिए इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। क्लियर। अगर हम कनेक्टिव की बात करें तो कनेक्टिव सारे लोग जानते हैं कंजंक्शन को, कि द वर्ड विच कनेक्ट्स, द वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस, दैट इज कनेक्टिव आर कंजंक्शन। दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो क्लाज या दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या होता है, कंजंक्शन। और इंटरजंक्शन की अगर बात करें तो इंटरजंक्शन मीन्स होता है क्या, कि ब्लर्टेशन। इंटरजेक्शन का कोई अर्थ नहीं होता है डियर, कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स ऑफ हार्ट, यह हमारे हृदय की भावनाओं अनुभूतियों को जो हम व्यक्त करते हैं और जिस शब्द का, जिस ध्वनि का सहारा लेते हैं उसको इंटरजेक्शन कहते हैं। खैर डिटेल में इसकी चर्चा बाद में होगी। तो वर्ड्स के बारे में हमने ये देखा कि वर्ड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 8 पार्ट्स। सम वर्ड्स फंक्शंस एज नाउन, सम वर्ड फंक्शन एज प्रोनाउन, सम एज एन एडजेक्टिव, सम वर्ब, सम एडवर्ब, सम कनेक्टिव एंड सम प्रीपोजिशन एंड सम इंटरजेक्शन। लेट्स गो फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वर्ड से अगर आगे चला जाए तो हमको जो है सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स,
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विच हैज अ सब्जेक्ट पार्ट, विच हैज अ सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट which makes complete sense, which makes complete sense. शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट पार्ट भी हो और दूसरा क्या प्रेडिकेट पार्ट भी हो और जो अपना स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम हो, उसी को हम सेंटेंस भी कहते हैं। और डियर ये भी ध्यान रखिएगा, उसी को क्लास भी कहा जाता है। जब सेंटेंस और क्लास की जब चर्चा करेंगे तो माइन्यूट सा फर्क है सेंटेंस और क्लास में, वो सिर्फ इतना है सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन क्लास भी है, बट ओनली दिस मच इज डिफरेंस। एवरी सेंटेंस कैन बी ए क्लास बट एवरी क्लास कैन नॉट बी सेंटेंस। हर सेंटेंस एक क्लाज हो सकता है लेकिन हर क्लाज एक सेंटेंस नहीं हो सकता है। कि वी विल डिस्कस इट एलिबरेटली एंड माइन्यूटली व्हेन द चैप्टर वी विल पिक अप अबाउट क्लाज। तो मेरे कहने का मतलब, शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट पार्ट हो और दूसरा प्रेडिकेट पार्ट हो, जो अपना स्वतंत्र अर्थ देता हो, वो सेंटेंस है। अब जैसे सब्जेक्ट पार्ट की बात करें तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं, इसमें सब्जेक्ट है आई और रीड क्या है वर्ब है। सेंटेंस ये भी कहा जा सकता है कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट पार्ट तो हो गया क्या आई और एम रीडिंग, ये क्या है, ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है। सेंटेंस को थोड़ा सा एक दूसरा और भी लिया जाए कि while reading I slept, पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। अगर इसको जो हम एनालाइज करें तो while reading I, ये क्या है आपका सब्जेक्ट पार्ट है और slept क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा कि वर्ब से लेकर के जो कुछ भी आगे बचता है वही क्या होता है आपका सब्जेक्ट पार्ट होता है, और वर्ब या ऑग्जिलरी वर्ब से पहले जो कुछ भी होता है वो सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो सेंटेंस जिसमें शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट पार्ट हो और दूसरा क्या प्रेडिकेट पार्ट हो, जो अपना कंप्लीट अर्थ देता हो, मीनिंग सेंस देता हो, वो है आपका सेंटेंस। दिस मच क्लियर माई फ्रेंड्स आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के आज जो है हम टाइप की बात करें और काइंड्स की बात करें। तो सेंटेंस पहले तो हम काइंड की बात करेंगे। तो सेंटेंस जो है वो तीन तरह का होता है, एक तो क्या सिंपल, दूसरा होता है डियर कंपाउंड, और तीसरा है आपका कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्या होता है, सिंपल सेंटेंस की जो है मैं समझता हूं कि आप सभी लोग जानते होंगे, सिंस यू आर एस्पायरिंग फॉर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी एंड पीजीटी हायर कंपटीशन, सो बट नेचुरल आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन हो जाए। सिंपल सेंटेंस बड़ी कंपैक्ट से डेफिनेशन लीजिएगा कि दैट विच कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब, दैट विच कंटेन्स वन फाइनाइट वर्ब, कि वह सेंटेंस वह वाक्य जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब हो वही क्या होगा सिंपल होगा। अगर एक से ज्यादा हो जाए तो याद रखिएगा, अगर किसी भी वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब हो गई तो या तो कंपाउंड बन जाएगा या फिर कंप्लेक्स होगा। सिंपल सेंटेंस
चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर एक ही फाइनाइट वर्ब है तो क्या होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। दो एक एग्जांपल से जो है इसकी इसको क्लियर कर लिया जाए। अगर हम ये देखें कि आई नो दैट ही रीड्स, आई नो दैट ही रीड्स, मैं जानता हूं कि वो पढ़ता है। इसमें अगर देखा जाए तो दो सब्जेक्ट है, और अगर दो सब्जेक्ट है तो दो वर्ब भी लगेगी। आई सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या वर्ब नो है, और ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब क्या है, रीड्स है। सेंटेंस देखने में छोटा सा है, बट सिंस इट कंटेन्स मोर देन वन वर्ब, देयरफॉर इट इज कॉम्प्लेक्स। जानता हूं कि वो पढ़ता है, तो इसमें नो वर्ब है और रीड वर्ब है, तो ये क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स। एक दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सिटिंग इन अ ब्रांच ऑफ, सिटिंग इन ए ब्रांच ऑफ अ होरी ट्री। डियर होरी कहते हैं छतनार को, छतनार का मतलब जिसकी शाखाएं काफी दूर दूर तक फैली हों, घनी पत्तियां हों, यानी यूं समझ लें आप कि इस तरह का अगर कोई पेड़ है तो उसको हम होरी ट्री कहेंगे, छतनार। सिटिंग इन ए ब्रांच ऑफ ए होरी ट्री अ ब्लैक बर्ड फ्लू, अ ब्लैक बर्ड फ्लू। एक घने छतनार पेड़ की शाखा पर बैठी हुई एक काली चिड़िया उड़ गई। वी एनालाइज इट वेरी क्लोजली, देन वी फाइंड दैट देयर इज ओनली वन वर्ब इन दिस सेंटेंस, ऑल्दो सेंटेंस इज लेंथी, वाक्य बड़ा है, लेकिन इसमें केवल और केवल एक ही वर्ब है, फ्लू। इसलिए सेंटेंस क्या है डियर आपका, सिंपल है। तो मेरी कहने का मतलब ये कि कोई भी वाक्य जिसमें केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब होगी उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे, और अगर एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हो गई तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या फिर कंपाउंड हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार से चर्चा जो है बाद में। नाउ अ क्वेश्चन डज अराइज, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। सवाल ये पैदा होता है दिमाग में, एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक डाउट पैदा हो रहा हो, व्हाट इज फाइनाइट वर्ब। तो ये फाइनाइट वर्ब क्या है, एक हल्की सी चर्चा आज इसकी जो है देख ली जाए। बाकी वर्ब चैप्टर को पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। आज ये जानना है कि फाइनाइट क्या है। मैं एक चीज और भी आपसे ये निवेदन कर दूं डियर, कि अब कंपटीशन में जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ग्रामर है, that is not workable, that doesn't do any good for competitive students. So, जो day by day the trend of examination is changing, continually it is changing. परीक्षा के जो प्रारूप हैं, प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है, अब वो धीरे धीरे परंपरागत न होकर के बिल्कुल एक नए अप्रोच के साथ। अब लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो जितने भी पेपर आप उठा करके देख लें उसमें केवल और केवल कंसेप्चुअल अप्रोच है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच जो है खत्म है। तो अगर जो लैंग्वेज को, ग्रामर को एक कंसेप्ट के तहत जो है लेगा, तो वो लैंग्वेज उसकी इजी होगी और जो है एग्जाम क्रैक करने में उसको सहूलियत होगी। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच रखेगा, जैसे नाउन को हम खूब डिटेल में पढ़ लें, नाउन के रूल जो है पढ़ लें, अब वो सारी चीजें जो है अब फंक्शनल अप्रोच हो रहा है ग्रामर का। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप कंसेप्चुअल और फंक्शनल अप्रोच जो है ग्रामर के बारे में रखें। हम लोग फाइनाइट वर्ब की चर्चा कर रहे हैं, तो फाइनाइट वर्ब का बड़ा छोटा सा आप एग्जांपल लें, डेफिनेशन लें कि विच इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट। एक तो ये छोड़ रहा है, विच इज गवर्न्ड which is governed by subject। यानी वो वर्ब जो अपने सब्जेक्ट से क्या गवर्न होती हो, वह वर्ब
जिसके ऊपर उसके सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो, या हम ये कह सकते हैं कि द वर्ब विच कम्स इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट, जिस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता हो यानी सब्जेक्ट के द्वारा गवर्न होती हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अप्लाई होती हो वही क्या होती है, फाइनाइट। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें, सेंटेंस अगर ले हम आई गो, यू गो, ही गो, अगर देखा जाए तो इसमें एक सेंटेंस जो है वो गलत है। आई गो सही है, यू गो सही है, लेकिन ही गो ये क्या है, गलत है। आप ये कहेंगे कि इसमें जो है ई यस एड होना चाहिए, बिल्कुल एड होना चाहिए। सेंटेंस अगर हम दूसरा लें कि आई राइट, आई राइट, यू राइट, तीसरा सेंटेंस अगर हम लें कि ही राइट्स, इसमें राइट गलत है, इसमें एस जुड़ना चाहिए, आई डू एग्री विद यू, लेकिन क्यों जुड़ना चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि आई के साथ गो, यू के साथ गो, और ही के साथ हम गो में ईएस भी जोड़ रहे हैं, ऐसा क्यों। तो इसका क्लियर सा फंडा यह है डियर कि इन इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, इन इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू आर कंसीडर्ड, आर कंसीडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान रखना कि अंग्रेजी भाषा में आई और यू को क्या माना गया है, प्लूरल, होते तो सिंगुलर हैं लेकिन इनको मान लिया गया है, जैसे आई, आई सिंगुलर, यू सिंगुलर, लेकिन इसको कंसीडर किया गया यानी माना गया है क्या है, ये प्लूरल के रूप में कंसीडर करते हैं। और अगर हम गो की बात करें तो बियर दिस फैक्ट इन योर माइंड दैट एवरी वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज इज बेसिकली प्लूरल, मतलब वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। वैसे तो ये कहना कि सिंगुलर या प्लूरल ये बात गलत है, क्योंकि सिंगुलर या प्लूरल केवल और केवल नाउन होती है, उसके अलावा नाउन या प्रोनाउन इनके ही सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होते हैं, बाकी और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं होते हैं। लेकिन एक मजबूरी में हम कह सकते हैं कि वर्ब की जो भी बेस फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है, वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल। लेकिन प्लूरल फिर जो है, मैं कह दूं कि प्लूरल होता नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के कंकार्डमेंट में अगर कोई वर्ब आती है तो उसको हम एग्रीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। लेकिन सहूलियत के लिए थोड़ा सा समझने और समझाने के लिए कहा जा सकता है कि वर्ब क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में जितनी भी वर्ब है, कोई भी वर्ब आप ले लो, रूट फॉर्म में, बेस फॉर्म में, यानी वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमेशा प्लूरल होगी। तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि देयर मस्ट बी प्रॉपर एग्रीमेंट आर कंकार्डमेंट बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, याद रखना कि ही सी जो थर्ड पर्सन है, इनको क्या कंसीडर किया गया है, सिंगुलर। एक बार फिर से बता दूं कि अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू को प्लूरल माना गया है, होते नहीं है, कंसीडर कर लिया गया। और जो भी वर्ब की बेस फॉर्म होगी वह हमेशा प्लूरल। तीसरी चीज क्या कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हमेशा एग्रीमेंट होना चाहिए। तो आई जो है प्लूरल है, उसके साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आपने लगाया गो, तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपकी वर्ब भी क्या हो गई, प्लूरल हो गई। सेकंड सेंटेंस की बात करें तो यू प्लूरल है और इसके साथ आपने गो लगाया, वर्ब की बेस फॉर्म प्लूरल, तो सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट है। बट व्हाट अबाउट थर्ड सेंटेंस, ही गो,
ही को क्या मानते हैं, ही सी को सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अगर हम ही के साथ गो लगाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट टूट रहा है। सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो जा रहा है लेकिन आपकी वर्ब क्या हो जा रही है, प्लूरल हो रही। अब हमारे सामने केवल एक ही विकल्प है, सिंस वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ही है तो सी नहीं कर सकते हैं, दे नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने केवल और केवल एक ऑप्शन है कि हम गो में यस या यस क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे आई राइट, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, यू राइट सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल, लेकिन सी सिंगुलर है तो इसके साथ हम राइट में क्या करते हैं, एस को ऐड कर देते हैं। क्या करने के लिए, वर्ब को सब्जेक्ट के गवर्नेंस में लाने के लिए या वर्ब को सब्जेक्ट के एग्रीमेंट में लाने के लिए। हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ब के ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव है, इसमें भी गोज के ऊपर किसका प्रभाव है, सब्जेक्ट का। तो ये कहा जा सकता है कि द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय सब्जेक्ट, जो क्रिया अपने सब्जेक्ट के अनुसार काम करती है या सब्जेक्ट के प्रभाव में होती है, वो वर्ब क्या कहलाती है, फाइनाइट। तो गो क्या है, फाइनाइट। इसमें गोज क्या है, ये भी फाइनाइट है। ऐसे ही राइट क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है। तो ये क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब अगर कोई पूछे तो ये कहा जा सकता है द वर्ब विच इज गवर्न्ड बाय इट्स सब्जेक्ट। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा डियर, कि सब्जेक्ट वर्ब यानी यस या ईएस जोड़ने का कंसेप्ट केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बाकी और किसी भी टेंस में नहीं है। जब टेंस उठाएंगे तो उसमें बड़ा आनंद आएगा टेंस को। अब मैंने अभी क्या कहा कि वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का कंसेप्ट केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। थोड़ा सा आइए इसके ऊपर विचार कर लेते हैं हम लोग। ये ध्यान रखिएगा, अभी मैंने क्या बताया, द कंसेप्ट ऑफ एडिंग नोट में रखिएगा, द कंसेप्ट ऑफ एडिंग एस आर ई एस टू वर्ब इज एप्लीकेबल ओनली इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बड़ा गड़बड़ हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब में जो हम यस या आईएस जोड़ते हैं, ये कंसेप्ट केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और किसी में भी नहीं है। जैसे अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करें तो उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, करेक्ट। तो वर्ब के रूट फॉर्म में यस या ईएस कब जोड़ता है, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक। तो डियर इसके साथ एक और भी देख लिया जाए, आखिर टेंस की बात, हालांकि मैंने टेंस की बात करूं तो थोड़ा सा ये जान लिया जाए कि टेंस क्या होता है। फाइनाइट का ही जो है एक पार्ट है, टेंस को आप लोग क्या कहते हो, टेंस का मतलब किताबें और बहुत से लोग जो है काल बताते हैं, लेकिन डियर ये ध्यान रखिएगा, टाइम का मतलब होता है समय या काल। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, समय या काल ये टाइम है लेकिन ये इन्फिनिट है, अनंत है। टाइम यू कैन नॉट इमेजिन व्हेन टाइम बिगेन एंड व्हेन विल इट कम टू एंड, कि समय कब शुरू होगा कब खत्म होगा इसके बारे में सोचना भी असंभव है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो टाइम है
ये आपका एक इन्फिनिट कॉन्सेप्ट है, अनंत है। और टेंस जो है ये लैटिन वर्ड है टेम्पस, क्या लैटिन वर्ड है टेम्पस। टेम्पस से जो है इंग्लिश में क्या बना हुआ है टेंस, और टेम्पस का मतलब होता है डियर डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम। आप चाहो तो क्या समय के आयाम, या अगर आप चाहो तो कह दो कालखंड। क्या चीज, ये बहुत ध्यान रखिएगा, जो लोग टेंस को जो है काल कहते हैं गलत है। टाइम को समय या काल कहा जाता है। टेंस मैंने कहा कि अंग्रेजी में जो टेंस है वह लैटिन वर्ड है आपका टेम्पस, और टेम्पस मीन्स डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम, या आप कह सकते हो कालखंड, राइट। वैसे तो डियर जो टाइम है, टाइम के तीन डायमेंशन है, प्रेजेंट, पास्ट और तीसरा है आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये हैं आपके समय के आयाम। अनंत समय में से हमने प्रेजेंट का चुनाव किया, पास्ट का चुनाव किया या फिर फ्यूचर का चुनाव किया। तो ये मान्यता भी है कि समय के तीन आयाम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक और भी आयाम है टाइम का, जिसको हम टाइम लेसनेस कहते हैं, काल रहितता कहते हैं। ये टाइमलेसनेस का कंसेप्ट हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक दुनिया में नहीं है। ये केवल और केवल अनुभूति की बात है। व्हेन अ सीयर, व्हेन अ मेडिटेटर, जब कोई समाधि लगाने वाला समाधि की अवस्था में हो जाता है तो वह समय की सीमा से पार हो जाता है। उस स्थिति को हम टाइमलेसनेस कहते हैं। तो वो चीज व्यवहार जगत में नहीं है, इस फिजिकल फिजिबल वर्ल्ड में कोई भी चीज, जो कोई भी क्रिया है वो या तो प्रेजेंट ओरिएंटेड है, पास्ट ओरिएंटेड है या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड है। कोई क्रिया समय के किस खंड में, अगर वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, तो समय के क्या तीन आयाम इस भौतिक दुनिया में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। और इसी को लैटिन में क्या कहा गया, टेम्पस। इसी को लैटिन में टेम्पस कहते हैं, यानी कि कालखंड। ठीक, फिर से सुन लें, जिसको समय या काल कहा जाता है अंग्रेजी में वो टाइम है, और जो टेंस है वो कालखंड है, क्योंकि टेंस लैटिन वर्ड जो है टेम्पस है। टेम्पस मीन्स डायमेंशन ऑफ टाइम, जो समय के आयाम है, यानी हम समय के तीन खंड करते हैं। अनंत समय में से प्रेजेंट का चुनाव आप करते हैं, या फिर हम पास्ट का चुनाव करते हैं, या फ्यूचर का, यानी कि समय को हम तीन दिशाओं में, तीन आयाम में, तीन खंडों में तोड़ते हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या, टेम्पस। इंग्लिश में वही है आपका। अब सवाल यह है कि टेंस का निर्धारण कैसे करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि टेंस इज, नोट में, कि टेंस इज ऑलवेज डिटरमिंड, टेंस इज ऑलवेज डिटरमिंड by nature of action, by nature of action, या आप इसको verb कह सकते हो। क्रिया की जैसी प्रकृति होगी उसी के अनुसार टेंस बनेगा। फिर से ध्यान रखिएगा कि क्रिया की जिस तरह की नेचर होगी, प्रकृति होगी, वैसे ही टेंस का निर्धारण होता है। देखा जाए कैसे, अगर हम टेंस की बात करें, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, क्योंकि समय के ये तीन आयाम हैं,
तो इसके अगर हम खंड की बात करें तो बहुत सी किताबें आपको जो है चार बताती हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक तो सिंपल है, सिंपल, इनडेफिनिट, तीसरा आपका कंटिन्यूअस, चौथा आपका परफेक्ट है और पांचवा है इम्परफेक्ट, जिसको आप परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हो डियर। तो आज के बाद अगर कोई पूछता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं, तो सीधे कहिएगा पांच हैं। अभी क्लियर हो जाती है, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल की बात अगर कर ली जाए, क्योंकि बहुत सी किताबें और जो है ये जो टीचर बताते हैं कि सिंपल और इंडेफिनिट दोनों एक हैं, तो मैं कहता हूं दोस्तों कि जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि टेंस का निर्धारण ही कैसे होता है, अभी आपने जाना कि टेंस इज ऑलवेज डिटरमिन्ड बाय द नेचर ऑफ एक्शन। क्रिया की जैसी प्रकृति होगी वैसे ही जो है टेंस बनेगा। अगर वर्ब की नेचर बी फॉर्म में हो, और बी का मतलब क्या, होना, क्रिया की प्रकृति अगर होने के रूप में है, बी फॉर्म में है, हम उदाहरण के रूप में लें कि आज का मौसम सुहाना है, या हम ये कहें कि रोशनी है, या ये कहा जाए कि आप हैं, तो आपका होना क्रिया है, रोशनी है, इसमें रोशनी का होना क्रिया है, मौसम गर्म है तो मौसम का गर्म होना क्रिया है। मतलब ये कि जब क्रिया का मात्र होना पाया जाए तो वो सिंपल टेंस होगा, अगर क्रिया का होना प्रेजेंट में पाया जाए तो सिंपल प्रेजेंट होगा, वर्ब का अगर होना पास्ट में पाया जाए, जैसे कल हम थे तो हमारा होना पास्ट में, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल पास्ट। कल हम फिर होंगे, कल आपके सामने फिर होंगे, तो हमारा होना फ्यूचर में है, तो वो होगा क्या, सिंपल फ्यूचर। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब किसी क्रिया का मात्र होना पाया जाए, क्रिया की नेचर अगर होने के रूप में हो तो सिंपल होगा, अगर होना प्रेजेंट में होगा तो सिंपल प्रेजेंट, होना अगर पास्ट में होगा तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर में होगा तो सिंपल फ्यूचर। नाउ व्हाट अबाउट इनडेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता अनिश्चित, वर्ब तो हो, किसी भी वाक्य में वर्ब तो हो लेकिन नेचर उसकी इनडेफिनिट हो। अगर हम ये सेंटेंस लें कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसमें वर्ब है आपका पढ़ना, ऑफ कोर्स वर्ब है, लेकिन व्हाट अबाउट नेचर, क्रिया की प्रकृति कैसी है, तो इनडेफिनिटनेस शो कर रही है, क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, कब पढ़ता है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं है निश्चित, इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनिट, वर्ब हो लेकिन नेचर कैसी हो, इनडेफिनिट हो, राइट। और इनडेफिनिटनेस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट, इनडेफिनिटनेस अगर पास्ट में है तो पास्ट इनडेफिनिट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इनडेफिनिट। फिर से ध्यान रखें, दोनों में यही, सिंपल और इनडेफिनिट में यही अंतर है कि सिंपल में हमेशा वर्ब की नेचर होने के रूप में होगी, बी फॉर्म में होगी, और इनडेफिनिट में वर्ब तो होगी लेकिन उसकी नेचर इनडेफिनिट होगी। अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें तो जब वर्ब की नेचर कंटिन्यूटी शो करे, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना ये वर्ब है, नेचर क्या है, कंटिन्यूअस है, लगातार वो क्रिया चल रही है, तो ये जो है कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में अगर कंटिन्यूटी पाई जाती है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में अगर कंटिन्यूटी पाई जाती है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में अगर है तो क्या, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट की बात करें, जब वर्ब की नेचर परफेक्शन शो करती हो, कोई क्रिया जब पूर्णता को दिखाती हो, जैसे हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया तो पढ़ने का काम परफेक्ट हो गया, परफेक्शन प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, कुल यही कंसेप्ट है डियर। और इम्परफेक्ट का मतलब होता है कंटिन्यूटी भी हो परफेक्शन भी हो, यानी कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों नेचर हो। जैसे हम दो घंटे से पढ़ रहे हैं तो दो घंटे से अब तक हम पढ़ भी चुके हैं, परफेक्शन भी है और अब भी पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूटी भी है। तो जब एक ही एक्शन पार्टली परफेक्ट और कंटिन्यूटी शो करे तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट। डियर कुल जो है यही कंसेप्ट है आपके टेंस का। टेंस फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस, और टेम्पस मीन्स डायमेंशन ऑफ टाइम, समय के आयाम। समय के तीन आयाम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अभी मैंने बताया कि एक चौथा आयाम भी है, टाइमलेसनेस। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत की बात है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात है, क्योंकि क्रियागत जगत में हम टाइमलेसनेस की बात नहीं करते हैं, हम केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में। तो कोई क्रिया समय के किस खंड में होती है और क्रिया की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, इसके आधार पर हम टेंस को बांटते हैं। तो डायमेंशन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये समय के तीन आयाम हैं, और इनको भी हम जब बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, तो हमको पांच पार्ट में बांटना पड़ता है, सिंपल, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो मैं फिर एक बार कह दूं कि हमेशा टेंस का निर्धारण क्रिया की नेचर के अनुसार होता है। अगर किसी वाक्य में वर्ब की नेचर बी फॉर्म में हो, यानी क्रिया का मात्र होना पाया जाए, तो वो सिंपल होगा। होना अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल प्रेजेंट, पास्ट में है तो सिंपल पास्ट, फ्यूचर में है तो सिंपल फ्यूचर। इनडेफिनिट का मतलब होता अनिश्चित, जब क्रिया तो हो लेकिन क्रिया की नेचर अनिश्चितता शो करती हो, इनडेफिनिटनेस शो करती हो, तो वो क्या होगा, इनडेफिनिट, राइट। इनडेफिनिटनेस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट, पास्ट में है तो पास्ट, ओके। कंटिन्यूअस शब्द ही बता रहा है कि व्हेन द नेचर ऑफ एक्शन शोज कंटिन्यूटी, जब क्रिया की प्रकृति कंटिन्यूटी शो करती हो, कोई क्रिया लगातार जारी रहे तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी प्रेजेंट में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। ऐसे ही परफेक्ट, जब वर्ब की नेचर परफेक्शन शो करती हो, कोई क्रिया जब पूर्णता को दिखाती हो कि कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में अगर पूरी हो चुकी हो तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में अगर है तो फ्यूचर परफेक्ट, एनीवे। और इम्परफेक्ट का मतलब ही है पार्टली कंटिन्यू एंड पार्टली परफेक्ट। एक ही क्रिया जो परफेक्शन भी शो करे और कंटिन्यूटी भी शो करे, तो वो क्या होगा आपका, इम्परफेक्ट। खैर, तो मैंने अभी ये कहा था कि जो फाइनाइट वर्ब है उसमें वर्ब में यस या ईएस जोड़ने का जो कंसेप्ट है वह केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारी चीजें चूंकि बीच में आ गई थी डियर, इसलिए जो है इसकी चर्चा करनी पड़ी। तो आज अब केवल इतना ही, कल से हम लोग जो है पढ़ेंगे दोबारा लेक्चर में नॉन फाइनाइट्स क्या है इसकी चर्चा, और फिर आगे कार्यक्रम बढ़ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो अटेंटिवली। गॉड ब्लेस यू। बकल टू योर कंपटीशन, बी एनर्जाइज एंड थिंक दैट टीजीटी पीजीटी कंपटीशन इज वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू विल हैव टू बेंट अपॉन योर मोटिव्स, बेंट अपॉन योर डिसीजन। गॉड विल ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।